एक टाइन था जब सी एनजी का सबसे इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन थे एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स के आते ही ये पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है ये प्रैक्टिकल है लो मेंटेनेंस है और इको फ्रेंडली भी है तो क्या इलेक्ट्रिक कार्स बेटर चॉइस है एज कम्पेयर टू सीएन जी कास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में क्या आपको सी एनजी कार लेनी चाहिए या इलेक्ट्रिक कार तो आज के वीडियो में हम दोनों दो सेगमेंट को कंपेयर करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो सो लेट्स बिगिन

अच्छी बात यह है कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज बढ़ रहा है तो इन फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स का एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी कम हो जाए तो बात करते हैं कॉस्ट की क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कार वायस के लिए जनरली सीएन जी सस्ती होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक कास्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर हम टाटा टी और सी और ईवी को कम्पेयर करेंगे तो सीएन की इनिशियल कॉस्ट काफी कम है टेन लैक्स में आपको सी एनजी बीट मिल जाएगा लेकिन टिगोर ईवी के लिए आपको ऑलमोस्ट फिफ्टीन लैक्स पे करने पड़ेंगे तो ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट एडिशनल पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक कार के लिए हाँ इलेक्ट्रिक कार्स के लिए आपको सब्सिडी मिल जाती है लेकिन ओवरऑल कॉस्ट हायर रही अब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की सीएनजी स्टेशन का नेटवर्क सिटी में तो काफी अच्छा है लेकिन हाईवे पे थोड़ा लिमिटेड है तो सिटी में तो ये काफी कन्वीनियंट है लेकिन अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो सीएनजी पॉइंट्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन इसमें आपको पेट्रोल में स्विच करने का ऑप्शन मिलता है सो यू हैव टू कीप लुकिंग फॉर वही इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क भी ग्रो हो रहा है लेकिन अभी उतना वाइड स्प्रेड नहीं है एज कम्पेयर टू पेट्रोल पम्प तो आज की तारीख में सिटी के लिए काफी प्रैक्टिकल चॉइस है बट नॉट फॉर लॉन्ग ट्रिप्स क्योंकि इससे पेट्रोल पे स्विच करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा लेकिन एक चीज आपको कंसिडर करनी चाहिए कि ईवीस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है सो आने वाले कुछ सालों में ये प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी तो एडवांटेज मिलता है हाँ, को से आप चार्जिंग पे लगा सकते हो और सुबह उठते ही चार्जिंग हो होगी लेकिन मान लो आपने घर पे चार्जिंग नहीं की है तो प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि चार्जिंग स्टेशन पे भी आपको वेट तो करना ही है चार्जिंग टाइम डिपेंड करता है कार के मॉडल और कैपेसिटी पे एक सेम एक्साम्पल देख लेते हैं टिगर का चार्जिंग टाइम है और वही अगर एसी चार्जर यूज करेंगे तो ऑलमोस्ट नौ घंटे पकड़ के चलो

और एक चीज़ है कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आप सी से पेट्रोल पे स्विच भी करते हो तो माइलेज ज़ बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है तो परफॉर्मेंस कि इलेक्ट्रिक कार्स ही बेटर तो इलेक्ट्रिक कार्स का परफॉर्मेंस तो अच्छा होता है लेकिन रेंज एंग्जाइटी का फैक्टर अभी भी है ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रिक कार्स की रेंज होती है थ्री टू फोर हंड्रेड किलोमीटर लग्जरी कार्स में आपको सिक्स हंड्रेड किलोमीटर्स तक भी रेंज मिल जाती है लेकिन फिलहाल खुल की बात हम ही नहीं करेंगे टिगोर ईडी का एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें थ्री हंड्रेड किलोमीटर्स का आपको रेंज मिल जाता है जो डेली सिटी कवरेज के लिए परफेक्ट है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको कवर करना है तो चार्जिंग स्टेशन का ध्यान रखना पड़ेगा और एक चीज़ आपको देखना है कि बैटरीज इज ओवर टाइम डिग्रेड भी होती है तो थ्री हंड्रेड का जो रेंज है वो पाँच साल बाद टू या टू भी हो सकता है और सी एन जी वेरियंट का टाइटिंग रेंज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है टेन के का टैक है और ट्वेंटी किलोमीटर पर के का आएज आएज आपको मिलता है तो ड्राइविंग रेंज तो ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें आपको पेट्रोल पे स्विच करने का ऑप्शन मिलता है तो ड्राइविंग रेंज का कोई स्ट्रेस नहीं होता अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर करना और किलोमीटर अनलिमिटेड को सब्सक्राइब जरूर करना चौदह घंटे की ओर दे वारंटी की बात करेंगे तो ईवीस पे आपको आठ साल की बैटरी रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं की बैटरी सिर्फ आठ साल ही चलेगी अगर सही से मेंटेन करोगे तो उसके बाद भी चल सकती है वैसे तो सी एन जी कार में भी तीन से पाँच साल की वारंटी मिलती है लेकिन कार तो दस से पंद्रह साल चल जाती है और ईवीज की टेक्नोलॉजी हर साल इंप्रूव हो रही है तो 2024 में अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेते हो तो आठ साल बाद बैटरी की कॉस्ट भी कम हो जाएगी और एक अच्छी बात यह है कि अगर बैटरी में प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ डैमेज सेंस ही रिप्लेस करने पड़ेंगे और अगर पूरी बैटरी रिप्लेस करनी भी पड़ती है तो पुरानी बैटरी एक्सचेंज करके आपको न्यू बैटरी पर फिफ्टीन ट्वेंटी डिस्काउंट मिल सकता है रिसेल वैल्यू अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है हम सबके लिए तो ईवीस की रिसेल वैल्यू सी एनजी कार से थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि आईसी इंजन्स की रिलायबिलिटी तो हम सबको पता है लेकिन ईवीस में बैटरी डिग्रेडेशन की वजह से रिसेल वैल्यू कम हो सकती है लेकिन कार सेल करने के टाइम पे आप बैटरी की हेल्थ चेक कर सकते हो तो बैटरी की हेल्थ अगर अच्छी है तो रिसेंट वैल्यू भी अच्छी मिल सकती है मेंटेनेंस की बात आती है तो सी एन जी कार मेंटेनेंस ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक कार्स क्योंकि सी एन जी कार में इंजिन होता है और जो भी रेलिवेंट पार्ट है जैसे एंजिन और स्पार्क प्लग और ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो रेगुलरली आपको मेंटेन या रिप्लेस करने पड़ते हैं सेकंड थिंग हर तीन साल में आपको सी एन जी टैंक टेस्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रिक कार्स में मूविंग पार्ट्स कम होते हैं ट्रेडिशनल इंजन ना होने की वजह से जो भी रेलवेंट पार्ट्स है उनके मेंटेनेंस का हैंडे कम होता है सी एन जी की रनिंग कॉस्ट होती है अराउंड थ्री टू फोर रुपीज पर किलोमीटर लेकिन इलेक्ट्रिक कार की रनिंग कॉस्ट होती है ऑलमोस्ट वन रुपी पर किलोमीटर तो सिंपल कैलकुलेशन है सी एन कार को अगर वन लाख किलोमीटर ड्राइव करेंगे तो रनिंग कॉस्ट होगी थ्री लाख रुपीज वही इलेक्ट्रिक कार की रनिंग कॉस्ट होगी सिर्फ वन लाख रुपीज तो जितना ज्यादा आप ड्राइव करोगे इलेक्ट्रिक कार्स को उतना ज्यादा सेविंग्स होगा अगर सी से कंपेयर करेंगे क्योंकि उतना रनिंग अगर आपका नहीं होने वाला है तो एडिशनल फाइव लैग्स जो आपने पे किया है अप्रंट कॉर्च वो रिकवर नहीं हो पाएगा सीएन जी का एक मेजर ड्रॉबैक है कि सीएन जी टैक होने की वजह से पूरा बूट स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स में ये प्रॉब्लम नहीं होता है सीएनजी टाइप ना होने की वजह से पूरा बूट स्पेस आप यूटिलाइज कर सकते हो तो क्या आपको सीएनजी कार लेनी चाहिए या इलेक्ट्रिक कार अब ज्यादा फिगर्स की बात करके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं तो अगर आप कॉस्ट कॉन्शियस हो या वन सी आउटडोर ट्रेवल करने वाले हो तो सीएन जी एक सॉलिड क्योंकि इनिशियल पेट्रोल पे स्विच करने का ऑप्शन लेना है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आप इको फ्रेंडली कार चाहते हो मंथली टू थाउजेंड किलोमीटर के ऊपर आपका रनिंग होता है तो उस केस अ लॉट ऑफ सेंस क्योंकि रनिंग कॉस्ट कम होने की वजह से काफी अच्छी सेविंग्स आप कर लेते हो तो रिसेंट वाइल्यूज थोड़ी कम भी होगी तो उतना पिंच नहीं होगा बाकी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स तो आपने देख लिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सी कार बेटर लगती है एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू किलोमीटर्स अनलिमिटेड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन ड्राइव सेफ एंड ड्राइव रिस्पांसिबिली